हे एवरीवन, सो वीकेंड है। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग सिखा दूं, जिसकी कि आप खुद से टेस्टिंग भी करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करेंगे अपने नीड्स के हिसाब से। एंड एज द टाइटल सजेस्टेड, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ये इतनी सिंपल है, इतनी सरल है कि आप लोग सोचोगे कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो इसको ध्यान से देखेगा। यूजुअली आपने अपने चैनल पे देखा होगा, तो 80% जो हम डिस्कशन करते हैं वो प्राइस एक्शन पे करते हैं, 20% हम इंडिकेटर्स पे करते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं तब मोस्टली एक आध इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। इट कुड बी वीवैप, इट कुड बी मूविंग एवरेज, इट कुड बी आरएसआई, इट कुड बी एलिगेटर। बट आज की स्ट्रैटेजी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है दैट हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जितने भी प्योर प्राइस एक्शन लवर्स हैं, जिनको लगता है यार प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही हमें ट्रेड करना है और उसके बेसिस पे पैसा कमाना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड बाय द वे, अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आप और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज सीखें हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 15,000 लाइक्स के एक छोटी सी फीस लगेगी। जैसे ही आप वो कंप्लीट करेंगे तो हम और स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्रीन पे जाते हैं और कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको समझाता रहूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए एग्जैक्टली हमें निफ्टी में देखना क्या चाहिए। देखिए, निफ्टी में अगर आपको किसी दिन एज ऑफ नाउ 60-70 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स इस तरह का मूव किसी एक ही कैंडल पे मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट रहता है जो कि आप कमा सकते हो ना सिंगल कैंडल। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि निफ्टी पे हम लोग अक्सर हमारी स्ट्रैटेजी गलत क्यों बनाते हैं। गलत इसलिए बनाते हैं बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आज से कुछ साल पहले निफ्टी था 7,500 पे, फिर उसके कुछ साल बाद हुआ 10,000 पे, फिर कुछ साल बाद हुआ 11,000 पे, फिर कुछ साल हुआ 12,000 पे, 13,000। तो आपको एक चीज समझनी है कि जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाता है और एज ऑफ नाउ 19,000 पे है, तो स्वाभाविक सी बात है जब बेस वैल्यू बढ़ेगी तो पॉइंट्स में भी तो बदलाव आएगा ना। व्हाट आई मीन टू से इज 19,000 पे अगर 100 पॉइंट डिप होता है तो परसेंटेज वाइज इट वुड बी डिफरेंट एज कंपेयर टू अगर निफ्टी 12,000 पे और 100 पॉइंट गिरता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, काफी सारे लोग अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं अगर वो प्राइस एक्शन पॉइंट बेसिस पे बनाते हैं तो वो ये गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं इतना पॉइंट गिरेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, इतना पॉइंट बढ़ेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा। नहीं, आपको परसेंटेज वाइज देखना है। और हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, रोज एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, लेकिन इसमें एक सिंपल सी चीज है, आपको खेलना है विद द बिग डैडी कैंडल। अब ये बिग डैडी कैंडल क्या होता है? बिग डैडी कैंडल यूजुअली मैं डिफाइन करता हूं बड़ा कैंडल बट विद डिसेंट वॉल्यूम्स। लेकिन इस केस में जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इवन इफ अगर आप वॉल्यूम को थोड़ा ऊपर नीचे छोड़ देते हो तो आपको स्ट्रैटेजी आराम से समझ में आएगी। क्या ये स्ट्रैटेजी 100% आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देगी? कोई स्ट्रैटेजी दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपको 100% प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स दे पाएगी। लेकिन हाँ, आपका रिस्क इसमें कम रहेगा, स्टॉप लॉस काफी डिफाइंड रहता है और आपको जितने बार मौके मिलेंगे 5-6-7 बार आउट ऑफ 10 आप डिसेंट प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो चलिए समझते हैं। तो हमको सबसे पहले निफ्टी में अगर बिग डैडी कैंडल डिफाइन करना है तो उसका एक सिंपल सा हम रूल बना लेते हैं, ताकि ये स्ट्रैटेजी आप चाहे 2023 में देख रहे हो, 24-25 कभी भी देख रहे हो, तब आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो हम इंस्टेड ऑफ होल नंबर्स हम परसेंटेज वाइज लेंगे। हम कहेंगे कि यार जब भी 0.28 या 0.3% या उसके ऊपर का एक सिंगल 15 मिनट का कैंडल, मैं रिपीट कर रहा हूं, 0.3% का एक सिंगल 15 मिनट कैंडल बनता है तो हम उसे बिग डैडी कैंडल कहेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन में जाके हम पहले देख लेते हैं कहां कहां पर बिग डैडी कैंडल अप्रॉक्स बन रहा है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या ये वाला कैंडल बिग डैडी कैंडल है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये 0.35% गया है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं ये वाला कैंडल क्या बिग डैडी कैंडल है, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए जी, बिल्कुल 0.38% है, विच इज अ गुड बिग डैडी कैंडल। फिर हम इसको देख लेते हैं, ये वाला कैंडल क्या बिग डैडी कैंडल है, तो ये टेक्निकली उतने आसानी से फॉल नहीं करेगा बिकॉज दिस इज कमिंग एट 0.22%। हमने क्या डिसाइड किया, हमने एक सिंपल सा रूल बना लिया कि भैया 0.3 या 0.5% वाला हमको चाहिए तो मानेंगे। लेकिन ये वाला, यस, पहला कैंडल डेफिनेटली एक बिग डैडी कैंडल है। और थोड़ा पीछे जाके देखते हैं जहां पर हमको क्लियर रिप्रेजेंटेशन दिखे बिग डैडी कैंडल के, तो मेरे को दो बिग डैडी कैंडल सामने दिख रहे हैं। तो ये रहा एक बिग डैडी कैंडल 0.42% के हिसाब से जा रहा है, और ये वाला जो अपना जा रहा है ये भी मोटा मोटी अगर आप देखते हो
0.25 हो रहा है, उसको नहीं मानेंगे, लेकिन ये वाला हमारा बिग डैडी कैंडल है। तो हमने एक चीज तो समझ ली पहले कि यार बिग डैडी कैंडल क्या होगा। बिग डैडी कैंडल मतलब हमारा इतना बड़ा, हमारे पास एक मौका मिलना चाहिए जहां पर कि जो हमको ट्रेस करना है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि बिग डैडी कैंडल रोज रोज नहीं होगा, लेकिन महीने में आपको एटलीस्ट 10-12 बिग डैडी कैंडल तो मिलने ही है। ये वाला टेक्निकली हम नहीं मानेंगे बिग डैडी कैंडल, बिकॉज 0.23% पे आ रहा है, हमें 0.3% चाहिए। अब आप बोलोगे चलो बिग डैडी कैंडल हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दिन में कभी भी आता है, ठीक है। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, उस बिग डैडी कैंडल का इंक्लूडिंग द विक आपको हाई मार्क करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये रहा, हम इसको बिग डैडी कैंडल ले रहे हैं, मैं जूम कर रहा हूं, और इसी के साथ हम लो को उसके मार्क करेंगे। ये हमने बिग डैडी कैंडल के हाई को मारा, लो को मारा। अब एक एक करके हम इसके साइकोलॉजी को समझते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कीजिए। अच्छा हाँ, और अगर आप और भी ढेर सारी स्ट्रैटेजीज अगर सीखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, YT15 का इस्तेमाल कीजिए तो आपको बहुत सारे हमारे मॉड्यूल्स और कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। 12 मंथ्स वाला मेरे हिसाब से सबसे बेटर है अगर आपको लॉन्ग टर्म लर्निंग करनी है। अदर्स आर ऑल्सो गुड, सीखने काफी मिलेगा। कमिंग टू द पॉइंट, तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर एक रेंज बन गया। ऊपर का रेंज बना, नीचे का रेंज बना, ये टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, कहीं ना कहीं आपको सुबह से दिख रहा है ये यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है। एक कॉल राइटर जो ऑप्शन सेल करता है, ऑप्शन सेलिंग पे भी हमने एक ऐसा वीडियो बनाया, जाके देखिए, तो कॉल सेलर तो यहाँ पर आराम से अपना ऑप्शन बेचता है और चिल मार रहा है, और यहाँ पर आप देखिए क्लियर एक ब्रेकडाउन आया है। जैसे ही ब्रेकडाउन आया आप देखिए कितना लंबा मार्केट वहां से गिरा है। ये मतलब ब्रेकडाउन आया है 19,418 पे, और ये 19,418 से 19,296 विद इन सम टाइम पहुंच गया। परसेंटेज वाइज अगर मैं देखता हूं तो हमको वहां से मिला है मोटा मोटी 0.7% का फॉल, 0.7% इन निफ्टी माय डियर फ्रेंड इज अ बिग रेट। बट वेट अ सेकेंड, हमको और थोड़ा सा हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और इसमें कुछ और पॉइंटर्स हैं, एंड तक टिके रहिए ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आए कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगेन लेट्स लुक अराउंड दिस थिंग, दिस वाज अ बिग डैडी कैंडल, हमने जाके मार्क किया। एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ये लिया, ये लिया, इमीडिएट हमको ब्रेकडाउन मिला, दो तीन कैंडल के आसपास ब्रेकडाउन मिला, फिर कंसोलिडेट किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक किसी बंदे ने अगर इधर पुट भी लिया होता उसके पास डिसेंट टाइम था अपने पुट्स को बुक करने का, बहुत टाइम दिया। उसके बाद आप देखो कि ये जो ब्रेकआउट हुआ जो सेकंड हाफ में, उसने भी हमको पहले इंडिकेशन दिया, इसने बिग डैडी कैंडल के लो को यहां से तोड़ा, फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करी। तो अगर मैं देखता हूं कि दिन भर में हमारे पास पोटेंशियल, देखिए पूरा का पूरा हर कोई कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन पोटेंशियल कितने प्रॉफिट हमारे पास लेने का मौका था, तो यहां से यहां तक हमारे पास 0.27%, और उसके बाद इधर से जहां से ब्रेकआउट आया वहां से हमारे पास 0.6%। एनीवेज वेट अ सेकेंड, लेट्स लुक इनटू सम फॉल्स केस एज वेल। ये बिग डैडी कैंडल है, देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा यहां से लेके यहां तक 0.4% का। अब यहां पर मैंने एक रे मार्क किया, यहां पर एक मार्क किया, क्योंकि क्या है कि हर कोई सक्सेसफुल ही रेशियो बताएगा तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा स्टॉप लॉस का इधर क्या सिस्टम है। स्टॉप लॉस सिंपल है, जहां पर ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है, जहां पर हुआ है वहीं पर आपका स्टॉप लॉस होगा। इन दिस केस आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग हुई है 19,505, ऊपर देखिए 19,505 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल चले गया है 19,545, 505 पे क्लोज हुआ, 545 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, ये नेक्स्ट कैंडल ही आपका एग्जिट है। क्यों एग्जिट है? बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 540 पे है, हम एंटर हुए हैं 19,505 पे, स्टॉप लॉस अगले कैंडल पे हिट हो गया है। मोटा मोटी आप देखेंगे टाइम पास करके हमको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, तो यहां पर आप वापस अगर एंटर करते हैं बिकॉज हमने बिग डैडी के रेंज पे वापस आ चुके हैं और बाय जोन पे, तो इसका क्लोजिंग है 19,544, अगला कैंडल जाता है 579, तो मोटा मोटी आपके उस दिन की रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन फिर इसने टाइम पास किया है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत इस दिन नुकसान में ही निकलते, लेकिन हल्का फुल्का आप कुछ निकाल सकते थे। द रीजन वाई एम शोइंग यू दिस इज बिकॉज आपको समझना है कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन मौके जरूर देती है।
अगेन लेट्स लुक इनटू दिस पर्टिकुलर बिग डैडी कैंडल. ये हमने हाई मार्क किया, ये हमने लो मार्क किया, यहां पर टूटा और ये हमको नीचे का एक डिसेंट मूव दिया है. बहुत बड़ा मूव नहीं दिया है, लेकिन स्टिल निफ्टी के प्रस्क्रिप्टिव से मैं देखूं तो इसने हमें मोटा मोटी 0.3% का मूव दिया. तो ना जस्ट इमेजिन अगर आप इस तरह से महीने में आपको 8 से 10 ट्रेड मिलते हैं, जिनमें से कि लेट्स से 10 ट्रेड्स मिलते हैं, 10 में से आपके 3 गलत होते हैं, 7 सही होते हैं, 3 जो गलत होते हैं उसमें आप 0.2-0.3% निपटाते हैं, लेकिन जब सही होते हैं, क्योंकि आपने देखा दिन में दो दो मौके पर मिलते हैं, अगर आप 0.7-0.9% भी बनाते हैं पॉजिटिव पे, तो आप नेट और नेट प्रॉफिटेबल तो रहते ही हैं, साथ में अच्छे प्रॉफिटेबल रहते हैं. द ओनली पॉइंट इज कि एज ए ट्रेडर आपको बहुत डिसिप्लिन होकर वेट करना पड़ेगा. ये नहीं कि आज 0.2% का कैंडल बनाया तो उसको हम बिग डैडी कैंडल बना दे, बिकॉज़ आज के दिन पे ट्रेड ही नहीं मिल रहा. याद रखिए एक अच्छे ट्रेडर को जरूरी नहीं होता रोज रोज ट्रेड करे, उसको अगर कुछ ही ट्रेड्स मिले, अच्छे ट्रेड्स मिले, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेडर टू मेक अ गुड मनी एंड मेक लिविंग आउट ऑफ इट. तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब आप इस हिसाब से ट्रेड करते हो तब वो आपके काफी ज्यादा फेवर में हो जाता है. तो हमने आज क्या सीखा, पहला बिग डैडी कैंडल को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके हाई लो को मार्क कीजिए. अगर हाई के नीचे टूट रहा है तो सेल बनता है, सॉरी हाई के ऊपर टूट रहा है तो बाय बन रहा है, लो के नीचे टूट रहा है तो सेल बन रहा है. अगर लो से वापस रिवर्स करके लो वाला बिग डैडी कैंडल का मार्क तोड़ के वापस ऊपर जा रहा है तो हमको क्या करना है, हम वहां पर बाय करते हैं. और अगर अच्छा हाँ, इसमें कुछ लोगों के टारगेट क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल बिग डैडी का जो रेंज बना हुआ है, सबसे सिंपल तरीका होता है उतने ही रेंज का इक्वलेंट आप ले सकते हैं. अगर 0.3% का रेंज बिग डैडी कैंडल बनाए तो आप नीचे की तरफ उस दिन 0.3% का टारगेट रख सकते हैं. 0.4% का बिग डैडी कैंडल बनाए तो आप नीचे की तरफ 0.4% का टारगेट रख सकते हैं. अगर बिग डैडी ऊपर की तरफ तोड़ के जा रहा है और वो पूरा कैंडल 0.7% का है और वो टूट रहा है, तो आप 0.5-0.7% तक का टारगेट वहां पे लगा सकते हैं. बिगर द बिग डैडी द बेटर इट इज, बट आपको अगर साथ में वॉल्यूम्स उसमें मिल जाए, और वॉल्यूम्स आपको मोस्टली देखिए ट्रेडिंग व्यू में तो नॉर्मल चार्ट्स पे दिखा देता है, बट वॉल्यूम्स आपको मोस्टली मिलेंगे फ्यूचर्स के चार्ट पे. तो जैसे ही आपको वो चीज मिलती है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट माई डियर फ्रेंड इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट. तो था ना बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी. इस तरह की और सिंपल स्ट्रैटेजीज आगे चाहिए प्राइस एक्शन इंडिकेटर बेसिस पे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. कमेंट्स में आपके डाउट्स जरूर लिखे ताकि आने वाले वीडियोस में मैं एड्रेस कर सकूं. और जो लोग भी कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन होता है, आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं. YT 15 से 15% ऑफ ले सकते हैं. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग.